प्रधान जी, आदरणीय शास्त्री जी, आर्य समाज के पदाधिकारीगण एवं आर्य समाज के आज के सत्संग में आए मातृशक्ति उपस्थित धर्मप्रेमी बंधु, जैसा कि हम सबको पता है कि महर्षि दयानंद जी का 200वां जन्मदिन कल 12 फरवरी को है। युग युगांतर में कोई महापुरुष ऐसे आते हैं, उनके लिए चार लाइन में कह रहा हूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा बलवान पर्वत झुक जाया करते हैं, है समय बड़ा बलवान पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं कुछ जो इतिहास बनाया करते हैं। तो ऋषि दयानंद जैसे महापुरुष युग युगांतर में आते हैं, तो जिस समय हमारा देश घोर अंधकार में डूबा था, स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, उस समय महर्षि दयानंद स्वामी जी महाराज का आविर्भाव हुआ। हमारी आर्य जाति, हमारी हिंदू जाति घोर पाखंडों में फंसी हुई थी, लोग अपनी मतांतरों में फंसे थे। उस समय में ऐसे युग पुरुष का आविर्भाव हुआ, तो कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में गीत लिखा, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पड़े हम सो रहे कब से जगाया था दयानंद ने, पड़े हम सो रहे कब से जगाया था दयानंद ने, अजल की नींद से मुखालिफ एकदम चौंके हवाइयां उड़ गईं उनकी, मुखालिफ एकदम चौंके हवाइयां उड़ गईं उनकी, यहां जब वेग का दयानंद ने, हो पड़े हम
दुर्दशा देखी दलित पिछड़े अछूतों की बड़ी जब दुर्दशा देखी दलित पिछड़े अछूतों की तड़प कर उनको सीने से लगाया था दयानंद ने हो पड़े हम सो रहे कब से जगाया था दयानंद ने वतन पर जान देने की कसम खाई जवानों ने वतन पर जान देने की कसम खाई जवानों ने वतन के प्यार का नगमा सुनाया था दयानंद ने हो पड़े हम सो रहे कब से जगाया था दयानंद ने अचंभा या कोई करिश्मा था अचंभा था या जादू था कि या कोई करिश्मा था पथिक सदियों से बिछड़ों को मिलाया था दयानंद ने हो कब से जगाया था दयानंद ने अजल की नींद से हमको जगाया था दयानंद ने जगाया था दयानंद ने उठाया था दया गुरु ऋषि वरदानंद महाराज की जय।